अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमायल इकबाल और जैसे कि आपको पता है मैं हूँ एक स्टूडेंट कंसल्टेंट। आज हमारे साथ हैं तैयब भाई। तो जैसे कि कल इनकी वीडियो में मैंने देखा है कि ये बता रहे थे कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हर इंसान को बता सकते हैं कि 500 से $1,000 अपने घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रह के ये 500 से $1,000 घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न करना पॉसिबल है कि नहीं है। जैसा कि आप बात कर रहे हैं मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में, तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस टाइम अगर आप कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं या किसी भी एकेडमिक डिग्री के ऊपर आप किसी भी जगह जॉब के आप जॉब स्टार्ट करेंगे तो किसी भी जगह आपको 1 लाख प्लस में इस टाइम पैकेज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में बेसिकली इस टाइम जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना खर्चा चलाने के लिए या पाकिस्तान के किचन को रन करने के लिए इस टाइम 1 लाख प्लस तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको इनकम चाहिए ताकि आप एक घर को रन कर सकें। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास इस टाइम मौजूद है जिसको हम अमेज़ॉन के नाम से जानते हैं और इस टाइम वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे तरक्की भी लोग उसमें कर रहे हैं और इंटरव्यू होते जा रहे हैं और दिन ब दिन वो अपने हालात को चेंज करते जा रहे हैं। नंबर एक, बेसिकली इसमें आप एफिलिएट अगर मार्केटिंग करते हैं अमेज़ॉन के अंदर रहते हुए तो इसमें 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कहेंगे किसी एक पैनी की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि आपको किसी एक प्रॉपर एकेडमी में, कहीं पे भी एकेडमी तो नहीं कह सकते लेकिन एक ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे हमने एक ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर बनाया हुआ है और पूरी एक टीम हमारे पास है, उसमें आप जाएँ, आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में रहते हुए 500 से $1,000 अमेज़ॉन के ऊपर इजीली पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी या कोई इतनी मुश्किल साइंस भी नहीं है इस टाइम। तो ये भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह अमेज़ॉन का बताया, ठीक है, तो अमेज़ॉन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने भी उसके बारे में काफ़ी सुना है, उसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल लोग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर कोर्स है वो, प्रोफेशनल कोर्स और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो प्रॉपर कोर्स कर तो लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इसी तरह फ्री बैठे रहते हैं, वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे किस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप जो बता रहे हैं हम ये करके 500 से $1,000 घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न कर लेंगे, इसकी आप क्या गारंटी देते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में पाकिस्तान में इस तरह चल रहा है ना कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप ऑनलाइन एकेडमी का कोई कोर्स करते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको लाजमी बात है कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे दूँगा कि जैसे अगर आप जिम में जाना चाहते हैं और अगर आप उसको जिम को ऑनलाइन बैठ के कोर्स कर लेते हैं जस्ट जिम में गए बगैर, तो डेफिनेटली आपकी वो बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती जो आप वहाँ पे जब तक जिम में जाके वहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह के लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अमेज़ॉन को या डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए एक अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अकेडमी में भी वो ज़्यादातर यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है वो थ्योरी के हिसाब से सिखाया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं ये मशवरा दूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो एकेडमी को ज्वाइन ना करें, आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें जहाँ पे एक प्रॉपर टीम होती है जो टीम वर्क कर रही होती है और आपको स्टेप बाय स्टेप उस लेवल तक लेके जाती है जहाँ पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने हमारे पास देखा कि हमारे पास पूरी एक प्रैक्टिकल टीम है, आपने देखा कि यहाँ अकेडमी सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है, आप आएंगे आपको डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो पूरी एक टीम स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप तक लेके जा रही है। क्योंकि हमेशा जब भी ज्वाइन करें तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें ताकि वो आपको स्टेप तक ले जाएं जहाँ पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बहुत कम है इस टाइम जो ट्रेनिंग दिला रहे हों, लेकिन एकेडमिक सेंटर बहुत है लेकिन ट्रेनिंग सेंटर इस टाइम हमारे पास उस तादाद में या उस लेवल पर अभी तक नहीं बने। तो इसलिए कोशिश करें कि ट्रेनिंग सेंटर में जाएँ, खुद फिज़िकली टीम के साथ होकर काम करें ताकि आपकी एक अर्निंग प्लेटफॉर्म अच्छा बन सके। जैसे कि तैयब भाई ने हमें बताया है, ठीक है, कि हमें ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, हमें प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सिर्फ थ्योरी का या यूट्यूब का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें प्रोफेशनल जाके ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए ताकि वो हमें हमारी एक एक्सरसाइज हमारी एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम अर्न किस तरह कर सकते हैं वो हमें सारा कुछ सिखाया जाता है। तो इन्होंने जिस तरह हमें सजेस्ट किया कि हमें ट्रेनिंग सेंटर लेने में जाके अपने वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अर्न कैसे करें, जैसे कि इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे एक टीम वर्क कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई इंसान इनके साथ ज्वाइन होना चाहता है ऑनलाइन भी और इसी तरह फिजिकल भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक जरूर पहुँची रहें और आप एंटरटेन होते रहें। बहुत शुक्रिया आपका।